इस दिवाली पर बड़ा धमाका होने वाला है, क्योंकि एक तरफ अजय देवगन की सिंघम अगेन है तो दूसरी तरफ कार्तिक आर्यन की भूल भुलैया 3। दोनों फिल्मों के इस महाकलेश ने फिल्म इंडस्ट्री और जनता को सोच में डाला हुआ है कि इस बॉक्स ऑफिस की जंग में आखिर कौन सी फिल्म बाजी मारेगी। वहीं जनता भी परेशान दिखाई दे रही है कि पहले किस फिल्म को देखा जाए। एक तरफ दोनों ही फिल्मों के मेकर्स ने पूरी कोशिश की कि कोई बीच का रास्ता निकल आए ताकि इस कलेश से बचा जा सके, लेकिन दिवाली जैसे बड़े फेस्टिवल को आखिर कौन स्किप करना चाहेगा। हर किसी को पता है कि दिवाली मतलब सिनेमा हॉल में फिल्मों का जमकर बिजनेस करना। यहां आपको बता दें कि पिछली दिवाली पर सलमान खान की टाइगर 3 रिलीज हुई थी, जिसमें शाहरुख खान भी एक कैमियो रोल में दिखाई दिए थे। सलमान खान की टाइगर 3 ने उस वक्त इंडियन बॉक्स ऑफिस पर अपने पहले दिन 45 करोड़, दूसरे दिन 60 करोड़ और तीसरे दिन 45 करोड़ का बिजनेस किया था। यानी टाइगर 3 ने अपने पहले वीकेंड पर 150 करोड़ का बिजनेस किया था। हालांकि टाइगर 3 का इंडियन बॉक्स ऑफिस पर लाइफ टाइम बिजनेस 290 करोड़ के करीब ही रहा था, लेकिन दिवाली पर ओपनिंग जबरदस्त थी। तो क्या इस बार भी सिंघम अगेन और भूल भुलैया 3 टाइगर 3 का ये रिकॉर्ड तोड़ पाएंगी या नहीं, ये तो दिवाली पर ही पता चलेगा। लेकिन फिलहाल जो बस दोनों फिल्मों ने बनाया हुआ है उसे देख तो यूं लगता है कि टाइगर 3 की तरह ये दोनों फिल्में भी अच्छा बिजनेस कर सकती हैं। आपको बता दें, सिंघम अगेन को जियो स्टूडियो, रिलायंस और अजय देवगन ने मिलकर प्रोड्यूस किया है, जबकि रोहित शेट्टी ने फिल्म को डायरेक्ट किया है। वहीं भूल भुलैया 3 को टी सीरीज के भूषण कुमार ने प्रोड्यूस किया है, जबकि अनीस बज़मी ने फिल्म को डायरेक्ट किया है। सब जानते हैं कि जहां अनीस बज़मी अपनी कॉमेडी फिल्मों को लेकर जाने जाते हैं, वहीं रोहित शेट्टी एक्शन फिल्मों के मास्टर हैं। अब इस दिवाली 1 नवंबर को बाजी कौन सी फिल्म मारती है, ये तो दिवाली पर ही पता चलेगा। खैर, आप बताएं कि आपके ख्याल में कौन सी फिल्म इस बॉक्स ऑफिस की लड़ाई में बाजी मारेगी, हमें कमेंट सेक्शन में जाकर ज़रूर बताइएगा। जबकि इसी तरह की मजीद वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल बॉलीवुड 2020। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी विजिट कर सकते हैं।